Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. लाला सुपारा वासियों के लिए सौभाग्य परम सौभाग्य किया भागवत कथा हो रही। भागवत कथा का इतना महिमा इतना फल है कि अगर ठीक ठीक भागवत कथा हो और ठीक ठीक भागवत कथा कही जाए, ठीक ठीक भागवत कथा सुनी जाए, तब जीव भगवान के धाम जा सकता है। तब जीव कहा जा सकता है भगवान के धाम। और सिर्फ कथा होती रहेगी तो सिर्फ अच्छा है, क्या है, अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़िया काम हो रहे हैं। क्योंकि भागवत के महात्म्य में दो कथा है, एक भक्ति देवी, स्वयं भक्ति देवी की कथा है भागवतम के महात्म्य, और दूसरी कथा है गोकर्ण महाराज और धुंधुकारी का। क्या है, गोकर्ण महाराज और धुंधुकारी का। हम लोग सार रूप में सुनेंगे इस महात्म को तो समझेंगे कि कथा कौन कराना चाहिए, कथा कैसे सुनना चाहिए और कथा का फल किसको मिलता है, कथा कौन लोग कराने चाहिए और कथा कैसे सुनना चाहिए, कथा पीना पड़ता है, कथा को क्या करना पड़ता है, कान से परम दिव्य रस के रूप में पिया जाता है, सुना नहीं जाता। ये क्या है, एक पका हुआ फल जो एकदम से दिव्य फल है और परम मिठास से भरा हुआ है। इससे और सुंदर रस और है नहीं संसार में, इस संसार में भी और परलोक में। तो ऐसे दिव्य कथा को सुना नहीं जाता है, पिया जाता है। कहते ये सुख के मुख का लगा हुआ पका हुआ फल का दिव्य रस है, सुख मुखा, क्या कहते हैं इसको, सुख मुखा ये रस है। तो ये सुन लेते हैं लोग, कर लेते हैं कथा, और यही फिर शुरू हो जाती है संसार की व्यथा। कर लेते हैं कथा, सुन भी लेते हैं कथा, और सीढ़ी से उतरते शुरू हो जाती संसार की व्यथा। तो ऐसी कथाएं चलते रहते संसार में। तो हम लोग बिल्कुल जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में भगवान ने कहा है वैसे सुनने का, समझने का, पीने का और उसी तरह से जीने का प्रयास करेंगे। 9 दिन शायद हम सबका जीवन धन्य हो जाए, हम सब भगवान के हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, नहीं तो कथाएं चलते रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
सुनेंगे और बहुत सार गर्भित है, बहुत सार गर्भित मीन्स जीवन बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला ये भगवान की कथा है। अगर कोई इस भागवतम को कान से पी लेगा, सुनेगा नहीं कान से पी लेगा, जैसा मैं पहले कह रहा था, निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा। और सिर्फ सुनेगा तो पता नहीं कितने बार सुनना पड़ेगा, और सिर्फ कराता रहेगा, करा दिया, सुना भी नहीं किया भी नहीं, है ना? क्या मैं भागवत कथा करा रहा हूं, है कि नहीं? तो बस कराते ही रहेंगे, अच्छे काम होते रहते हैं। और ये हाथी के स्नान के समान है, हाथी का स्नान सुना आप सबने? हाथी का स्नान कैसा रहता है? हाथी 4-6 घंटे नदी तालाब समुद्र में नहाता है, कितने घंटे? 4-6 घंटे परिवार के साथ, पूरे अपने समाज कुनवे के साथ नहाने के बाद बाहर निकलता है। देखने वाले को बहुत आनंद होता है, कितना अच्छा नहाता है। हम लोग तो 5-10 मिनट 20 मिनट में बाहर निकलना पड़ता है, वो भी टैंकर का पानी रहता है, ताजा नदी या तालाब का पानी नहीं रहता है ना? और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 4-5 घंटे 8-8 10-10 घंटे नहाता है, लेकिन करता क्या है? बाहर आने के बाद कीचड़ या धूल में लौटता है, अगर लौट नहीं पाता है उठा उठा के सोन से पूरे शरीर में डालता है। तो ऐसे स्नान का कुछ लाभ हुआ क्या? नहीं होता है। हम लोग भी ऐसे करते रहते हैं रोज रोज, बहुत चमकाते हैं अपने शरीर को, बहुत चमकाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उसको सजाते हैं, चमकाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं, और फिर संसार में उसको गंदा करते हैं तरह तरह से। संसार में उसको, इस शरीर को जिसको धोया तरह तरह से, नहाने के बाद, भगवान के मंदिर में जाने के बाद, दर्शनार्थी पूजा करने के बाद जब संसार में जाते हैं तो फिर गंदा करते हैं। कैसे गंदा करते हैं आप सब जानते हैं, भागवतम में भी सुनेंगे अभी। कैसे गंदा करते हैं? चाय के ऊपर चाय पीते हैं, चाय के ऊपर सिगरेट, के ऊपर सिगरेट, बीड़ी के ऊपर बीड़ी, कभी अंडा, कभी शराब, कभी बेविचार, कभी झूठ, कभी छल, कभी धोखा, अनेक प्रकार के गंदगी करते रहते हैं, अनेक प्रकार के। हाथी का स्नान है, क्या है हाथी का? ये जितने भी पूजा पाठ है हाथी के स्नान के समान है। कोई है यहाँ पे इतने लोग बैठे इसमें जो झूठ नहीं बोला है? सब लोग बोले हैं। झूठ एक बड़ा पाप होता है, क्या होता है झूठ? पाप की जननी है, माँ है झूठ। झूठ क्या है? पाप की जननी है, माँ है। शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है, संतों ने ऐसे बार बार कहा है कि अगर शास्त्रों के शब्दों को गुरुजन, भक्तों के, महात्माओं के, आचार्यों के, वैष्णवों के शब्दों को, इसको शब्दों को अगर ठीक से सुन लिया जाए, अगर ठीक से पी लिया जाए, निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? निश्चित रूप से। हम लोग सुनते नहीं शब्दों को ठीक से, कैसे सुनते हैं? बस सुना और बाहर हो गए, यहां से सुना और यहां से बाहर हो गए, तो उसका असर नहीं होगा, उसका असर नहीं होता है। आप सबको उदाहरण से समझना आसान होगा, सभी लोग का पेट खराब हो जाता है कभी ना कभी, है ना? लूज मोशन, क्या कहीं पार्टी में गए और बहुत खा लेते हैं ना, आज पार्टी है, आज तो मेरा है मुफ्त का, भूल जाते पेट अपना है, शरीर अपना है, भूल जाते हैं, नहीं खाने वाला भी खा लेते हैं, और फिर लूज मोशन,
और इतना हालत खराब हो जाता है, उस समय कितनी भी दवाइयां खाओ दो तीन दिन तक उसका असर नहीं होता। क्या होता है? दो तीन दिन तक उसका असर नहीं होता है। ऐसे ही आप कितना भी भगवान के कथाओं को, कीर्तन को, दिव्य शब्दों को अगर सुनिए और उसको अगर हजम नहीं होगा, इधर से निकल जाएगा लूज मोशन की तरह, तो कोई भी दवाई असर नहीं होगा। जबकि कलयुग में हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर जीव सरल होते, कैसे जीव सरल होते, सरल समझते हैं, सरल समझाता उदाहरण से समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए। सरल उसको कहते हैं, राम जी एक रामायण में चौपाई कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। क्या कहते हैं राम जी? ये राम जी के मुंह का ये बात है, ये राम जी का दिव्य संदेश हम लोग के जीवन के कल्याण के लिए। क्या कह रहे? निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। कहते सरल हो जाओ जैसे मैं सरल हूं। क्या है, हम राम जी के आरती तो घुमाते, पूजा तो करते, नाम तो जपते, सरल नहीं है। क्या है, क्या है, स्मार्ट बॉय है, क्या है, चालाक है, बहुत होशियार है, क्या है, बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, बहुत बड़े बड़े डिग्रियों से भरे है, सरल नहीं है। तो राम जी क्या कहते हैं उनके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। एक बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एक आदमी था, क्या था, साधारण आदमी समाज में जैसे होते। उसका काम क्या था, घर में जितना बनता था पेट भर के उसमें से आधा से ज्यादा खा लेना। पांच छह जन घर में थे, आधा से ज्यादा केला खा लेना। लंबा चौड़ा था, उसका खुराक ज्यादा था। और सुख खाने के बाद जब बहुत खा लेते तो क्या होता है, आलस होता है ना, नींद आता है, सो जाता है। यही उसका काम, दो तीन बार खा लेता था, सोता रहता था। माता पिता थक गए उसको, उसके इस आदत से थक गए, परेशान हो गए। तो उसको कहा, भाई तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले, अब तेरा ये जो खुराक है, तेरा जो खाने का ये धंधा है, हम लोग से सहन नहीं हो रहा है। तू अब जवान हो गया है, हर बच्चा काम धंधे में लग रहा है, तू भी कुछ कमा धमा, और अगर नहीं कमाता धमाता है तो घर से चला जा, नहीं चाहिए तू। यहाँ पे एक बात सीखने वाले हैं, सीखने वाला है। शायद हम सब भी अपने बच्चों को कई बार ऐसा सोचते या कहते हैं, भाई अब बड़ा हो गया, कमा धमा और नहीं तो बोझ बनेगा क्या? क्या सच में वो आपका बच्चा है जो ऐसे कह रहे? अपने बच्चे को कोई ऐसे कहेगा क्या? लेकिन संसार में लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है संसार का वो कैसा है, स्वार्थी रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? परमार्थी नहीं, राम जी वाला नहीं है, ये स्वार्थी रिश्ता है। तो हम माता पिता होके भी कहते हैं और दावा भी ठोकते, हम तेरे माता पिता हैं, इसलिए समझा रहे हैं। अरे माता पिता है तो बिठा के खिलाओ ना, जन्म तो दिया है ना, आप उसको संस्कार दो ना, अपने आप कमाएगा, नहीं बोझ हो गया बिचारे को। ये इसलिए बात कह रहा हूं, रिश्ता स्वार्थ का है संसार में, सीखने के लिए, समझने के लिए। हाय बेटा, हाय बेटा, है ना, बच्चे लोग भी हाय मम्मी, हाय डैडी, और बाद में अपने अपने रास्ते दोनों लग जाते समय से। उसको घर से निकाल दिया बेचारे को,
अब वो सोच रहा है भाई कैसे क्या काम, कुछ आता नहीं, काम किया नहीं, क्या करूं। इतने में सामने ऐसा एक आश्रम था, क्या जगन्नाथ जी का एक मंदिर था आश्रम। तो आश्रम के गेट पे जो जगन्नाथ जी के पुजारी थे महाराज, वो मिल गए और महाराज एकदम तगड़े हट्टे कट्टे, समझ गए क्या मेरी बात, नहीं कर रहा हूं। वो महाराज हट्टे कट्टे थे तो महाराज को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ है। महाराज लगता है खाता पीता है मेरी तरह है, तो बोला शायद यहाँ काम बन जाएगा। महाराज के चरण में गिर गया और कहने लगा महाराज आप मुझे अपने शरण में रख लो, मेरे घर वाले ने मुझे निकाल दिया है। महाराज ने कहा आ जा भाई, यहाँ तो सबके लिए दरबार खुला, जैसे हम लोग कहते आओ जितने आना है, जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके लिए पेट भर के मिलेगा और जैसे तैसे नहीं मिलेगा, सुव्यवस्थित मिलेगा, गर्मा गर्म मिलेगा और शायद घर से भी बढ़िया मिलेगा। ये नहीं कि खिचड़ी खिला दिया, दाल चावल खिला दिया, आधा खिलाया आधे को भगा दिया, आधा मिला आधा नहीं मिला, इससे भगवान की सेवा और भक्तों का भाव भी प्रकट होता है। क्या होता है, आपका सेवा का भाव प्रकट होता है कि आपने जिनको बुलाया है उनका सेवा किस भाव से करना चाहते हैं। हर पल पल सीखने का है जीवन में, लेकिन हम आसक्त लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, सीखने के बजाय आसक्त हो जाते हैं, जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां चले जाते हैं। तो महाराज ने उनको आश्रम में रख लिया, बोला आ जाओ। इतने में चार पांच महाराज के और जो सेवक थे वो भी आ गए और जब उनको देखा कि वो सब भी हट्टे कट्टे तगड़े एकदम खाते पीते घर के हैं, तो इसको बड़ा शांति मिलाएगा, मुझे खाना भरपूर मिलेगा। तो महाराज को पूछा महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा, तो महाराज ने कहा कि कुछ करना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है और राम राम जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और राम राम जपना है। बोला ये तो बड़ा अच्छा हुआ, कोई काम आता नहीं था, आसान भी है। गुरु जी ने अपने चेले को कहा भाई इसको तैयार करो, गुरु जी ने उसको कंठी माला जप माला धोती कुर्ता सब पहना के तिलक लगा के तुरंत नाम की दीक्षा भी दे दी, क्योंकि गुरु लोग कृपालु होते हैं। जब सब छोड़ के ही आया है गुरु के चरण में, तुरंत नाम की दीक्षा ले दी, बोला बेटा भगवान को शरणागत रहना, प्रेम से सेवा करना, खूब भाव से भगवान को भजना और भगवान तुझे हमेशा आनंद में रखेंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, जपता था भगवान की जो सेवा गुरु जी कह देते थे करता था। गुरु जी ने कहा रोज तुझे दो टाइम प्रसाद पेट भर के मिलेगा। गुरु जी का मुंह देखने लगा थोड़ा उदास हो गए। गुरु जी ने बोला क्या हुआ, बोला दो ही टाइम मिलेगा, बोले हम लोग तो दो ही टाइम पाते बेटा, बोले दो ही टाइम मेरा आदर थोड़ा अच्छा, तुझे चार टाइम तो खा लेना। गुरु जी ने क्या कहा, तू चार टाइम खा लेना, क्यों गुरु लोग कृपा करते हैं, क्यों उनको इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भाग्यवान जीव संसार में जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का नाम जपता है, सेवा में लगता है, नहीं तो संसार में चक्कर काटता है। कहाँ चक्कर काटता है, संसार में, इसलिए गुरु कृपा करते हैं तुरंत। लेकिन कई जगह तो इतने आडंबर रहते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सो करना पड़ेगा, अनेक अनेक आडंबर रहता है और ढोल के अंदर पोल रहता है। ढोल के अंदर क्या रहता है, पोल रहता है, आडंबर बड़े बड़े, आचरण छोटे छोटे रहते। तो गुरु जी ने कहा चार टाइम खा लेना, बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगा। अब चार टाइम खाता था घर में तो ऐसा था, वैसा हो गया और खूब हरि नाम करता था।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 15 दिन बीत गया, कितने दिन, 14 दिन बीत गए, 15वां दिन आया। और 15 दिन में क्या होता है, 15 दिन में क्या आता है, एकादशी आती। क्या आती है, हर 15 दिन में एकादशी होता है, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, गुरुजन के लिए, जो लोग सत्संगी है उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत होता है। बाकी जन तो एकादशी को द्वादशी से भी अच्छा व्रत करते हैं, द्वादशी से भी खाते रहते, जो नहीं खाने का वो भी खाते। धर्महीन नर पशु समाना, क्या है, धर्महीन नर पशु समाना, जो धर्म नहीं पालते पशु के समान है। कुत्ते बिल्लियों के धर्म नहीं होते, कुत्ते बिल्लियों का धर्म नहीं होता है, वो कुछ भी खाते हैं। सुअरों का कोई धर्म विचार नहीं होता, वो कुछ भी खाते हैं। ऐसे लोग हो गए संसार में, कुछ भी करते कुछ भी खाते, कैसे भी जीते। तो एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। हर महीने में 2 बार 11वें दिन है एकादशी का व्रत करना चाहिए सभी लोगों को। परम भगवान कृष्ण प्रसन्न होते, जगन्नाथ प्रसन्न होते, लक्ष्मीपति की कृपा होती है जीव के ऊपर। घर में धन धान शांति परम आनंद और भक्ति को प्राप्त होते हैं, जो सर्व श्रेष्ठ है और इस संसार में दुर्लभ है जीवों के लिए। सब कुछ मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। अभी भक्ति की कथा सुनेंगे आपसे। तो इस प्रकार से एकादशी आ गई। अब टाइम हो गया प्रसाद का, सुबह 10 बजे प्रसाद का टाइम था, 10 बज गए। अब ये जो महाराज नए नए भक्त बनते थे, 4 टाइम भोजन प्रसाद वाले, वो कभी रसोई की तरफ जाते, कभी महाराज की तरफ जाते, कभी भगवान की तरफ जाते। किधर भी आज कुछ हलचल नहीं है।